फर्स्ट टाइम मैंने कोडिंग शुरू करी, कॉलेज जाने से पहले मेरे को कभी कोडिंग नहीं आती थी, मेरे को पता नहीं था कोडिंग क्या होती है। रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग ऐसे टॉपिक थे जो मेरे को समझ नहीं आ रहे थे। मिड ऑफ सेकंड सेमेस्टर क्या हुआ, कोविड आ गया, तो जब तक मैं उनके साथ फैमिलियर नहीं हो गया ना, तब तक मैं उनको देखता रहा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई यूट्यूब चैनल, myself Vishesh, and in this video we will talk about how I learned TSA and finally got into Flipkart. So we will be looking at my whole journey up till getting the intern at Flipkart. So we will be starting from the very first point when I entered in the college and then how I progressed and get into the Flipkart. So this is going to be very useful video for all of you, and make sure you watch till the end and you share it with your friends so that they can also get some idea about how Flipkart hires and how they can apply to the Flipkart, right? So let us start. So सबसे पहले guys, जब मैं college गया तो पहले तो मेरी branch computer science नहीं थी, and उस समय हमारे college में इतनी companies भी नहीं आती थी, limited companies आती थी, तो उस समय CSE branch में जाना काफी important था मेरे लिए। तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट ईयर को पूरा डिवोट करा कि अच्छी जीपीए लाऊं एंड देन कंप्यूटर साइंस ब्रांच में चेंज कर लूं। तो इनिशियली मेरी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स थी, एंड देन मैंने फर्स्ट सेमेस्टर गया, मैंने अच्छी पढ़ाई करी, अच्छा सेमेस्टर में स्कोर किया, एंड देन फिर हॉलीडेज आई। अभी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ एंड देन फिर वन मंथ की हॉलीडेज आई। तो गाइस ऐसा था, वन मंथ की हॉलीडेज में तुम ऐसा तो है नहीं कि नेक्स्ट सेमेस्टर का पढ़ लोगे। तो उन वन मंथ की हॉलीडेज में मैंने क्या करा, सबसे फर्स्ट टाइम मैंने कोडिंग शुरू करी। कॉलेज जाने से पहले मेरे को कभी कोडिंग नहीं आती थी, मेरे को पता नहीं था कोडिंग क्या होती है। तो उस समय सबसे पहले मैंने कोडिंग शुरू करी फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होने के बाद, वन मंथ की हॉलीडेज में। तो उसमें मैंने क्या करा, उसमें मैंने कोडिंग निंजा का एक फाउंडेशन वाला कोर्स लिया, फाउंडेशन नॉट डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। फाउंडेशन में बेसिकली तुम्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाती है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले C++ लैंग्वेज सीखी। तो C++ लैंग्वेज सीखने के बाद मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया हुआ कि कोडिंग क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, ठीक है। तो वो C++ वाला कोर्स ईजी था, मैंने उसको अच्छे से डिवोट करके टाइम 15-20 दिन में खत्म कर दिया था, ठीक है। मेरे को सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहा था, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन उसको उसके साथ में फैमिलियर हो गया था थोड़े टाइम बाद, जब मैं उसको बार बार देख रहा था, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक लैंग्वेज सीख ली थी। सबसे पहले ये प्रीरिक्विजिट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें लैंग्वेज सीखनी पड़ती है अगर कोडिंग में कुछ एक्सेल करना है, ठीक है, अच्छा करना है। तो लैंग्वेज सीख ली, अब देन क्या हुआ, अब नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू हो गया। तो मेरा वही एम था कि अच्छी जीपीए लाऊं, क्योंकि दो सेमेस्टर के बाद ब्रांच चेंज होनी थी। तो मैंने फिर से अपना सेमेस्टर वाला ही पढ़ने पे फोकस करा एंड कोडिंग एक बार नहीं इतनी करी। मैं कभी कभी संडे को क्या करता था, हैकर रैंक पे ना बेसिक वाले क्वेश्चंस, जो वार्म अप एंड इम्प्लीमेंटेशन फिल्टर लगाकर उसमें जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, उसमें कोई टॉपिक जरूरत नहीं होती, वो बेसिकली ब्रूट फोर्स क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, एडहॉक प्रॉब्लम्स होती हैं, वो जो तुम्हें प्रैक्टिस करनी होती है। सो मैं उन प्रॉब्लम्स को कभी कभी प्रैक्टिस कर लेता था। तो एंड बाकी मेरा मेन मोटिव था कि सेमेस्टर में अच्छी जीपीए लाऊं। तो अभी क्या हुआ, मिड ऑफ सेकंड सेमेस्टर क्या हुआ, कोविड आ गया। तो उस समय कॉलेजेस बंद हो गए थे, तो उस समय हमारे पास ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि हम कोडिंग कर लें, एंड कॉलेज का क्योंकि इतना लोड नहीं था, तो मैंने कॉलेज का एक बार छोड़ा एंड देन कोडिंग स्टार्ट करी, ठीक है। तो अभी मेरे को क्या आता था, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती थी एंड थोड़ा बहुत मेरे को प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैंने थोड़ी बहुत हैकर रैंक पे प्रैक्टिस करी थी, लेकिन अभी मेन काम तो बाकी था। तो सबसे पहले गाइस मैंने डीएसए वाला कोर्स लिया, ठीक है। देखो डीएसए वाला कोर्स कोडिंग निंजा से लिया एंड वो लिटिल बिट डिफिकल्ट कोर्स था मेरे लिए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा था, मेरे को कोई आइडिया नहीं था कैसे क्वेश्चन होते हैं, क्या होता है रिकर्शन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने उसको काफ़ी थोड़ा टाइम लिया, 3-4 months लगे मेरे को। मैंने काफ़ी हेल्प ली टीएसए, अदर स्टूडेंट्स जो मेरे से अच्छा कर रहे थे उनसे हेल्प ली के क्वेश्चन को कैसे करें, सॉल्यूशंस भी देखे मैंने काफ़ी क्वेश्चंस के, ठीक है। तो मेरे को उस कोर्स को करने में थोड़ा टाइम लगा एंड मेरे लिए गाइस मैंने एज आई टोल्ड यू दैट वाज लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहा था यार, एंड उसके साथ मेरे को फैमिलियर होने में भी काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग ऐसे टॉपिक थे जो मेरे को समझ नहीं आ रहे थे। तो मैं क्या करता था,
वन वीक के बाद फिर से उसी सेम टॉपिक को सेम क्वेश्चंस को देखता था, तो जब तक मैं उनके साथ फैमिलियर नहीं हो गया ना तब तक मैं उनको देखता रहा, तो कुछ समय बाद मैं खुद से ही उन क्वेश्चंस के साथ फैमिलियर हो गया, तो जब भी नया क्वेश्चन आता था ना रिकर्शन का तो मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता था। तो इसलिए बोलता हूँ अगर तुम्हें रिकर्शन के क्वेश्चन नहीं हो रहे तो जो एक फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना उन पर बार बार ध्यान दो, उनको देखो, उनके साथ फैमिलियर होने का ट्राई करो, ठीक है। तो इस तरह से मैंने DSA का कोर्स कंप्लीट करा, उसमें सारे डाटा स्ट्रक्चर्स कर लिए एंड जो क्वेश्चंस थे एज आई सेड के थोड़े डिफिकल्ट थे तो मैंने TS की हेल्प ली, सॉल्यूशंस देखे, ठीक है, इधर उधर से स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे एंड देन उसको कोर्स को किसी ना किसी ढंग से कंप्लीट करा। तो गाइस कोर्स तो कंप्लीट हो गया, ठीक है, मेरे को ये पता चल गया कि डाटा स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, उनको कैसे कैसे यूज करते हैं, लेकिन कहाँ पे यूज करें वो तो प्रैक्टिस ही आएगा एंड प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस तो इनफ दिए हुए हैं कोर्स में, लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम था तो मेरे से क्वेश्चंस नहीं हुए थे, तो मेरा अभी भी यही क्लियर नहीं था कि किस डाटा स्ट्रक्चर को कहाँ पे यूज करें, इट मीन्स कि मुझे अभी प्रैक्टिस की जरूरत थी, ठीक है। तो मैंने कोर्स करने के बाद क्या करा, अब टाइम था प्रैक्टिस का, तो कई कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिस के लिए सीधा लीड कोड या फिर इंटरव्यू बिट पर शिफ्ट कर जाते हैं। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो आई वुड रेकमेंड कि पहले कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे शिफ्ट करो, तुम्हें डाटा स्ट्रक्चर्स आते हैं तो सबसे पहले कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में शिफ्ट करो, जो लीड कोड एंड इंटरव्यू बिट है ये तुम्हारी इंटरव्यू से एक दो मंथ पहले कर सकते हो, सफिशियंट है इतना टाइम, ठीक है। लेकिन DSA सीखने के बाद प्रैक्टिस के लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे शिफ्ट करो। सो गाइस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में शिफ्ट करने से पहले मैंने C++ में यूज कर रहा था, तो मैंने STL सीख लिया था, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, ठीक है। तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें डायरेक्टली डाटा स्ट्रक्चर यूज करने होते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो हम हर डाटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट नहीं करते, हम डायरेक्टली यूज करते हैं लाइब्रेरी से, उसी लाइब्रेरी को C++ में स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी बोला जाता है, ठीक है। तो मैंने वो टेम्पलेट लाइब्रेरी सीख ली कि उसमें कैसे कैसे डाटा स्ट्रक्चर को इंपोर्ट करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो सब मैंने सीख लिया एंड देन मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे शिफ्ट कर गया। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में मैंने कोड फोर्सेस से कॉन्टेस्ट देने शुरू करे एंड शुरू में मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं होता था, क्योंकि फर्स्ट टाइम था यार, वो स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, स्टोरी सी बनाकर दे देते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करें एंड कोड फोर्सेस का मेरे को थोड़ा सा UI भी सिंपल लगा था, तो अट्रैक्टिव भी नहीं था इतना कि तुम्हें हाँ अट्रैक्ट करे कि हाँ क्वेश्चन सोल्व करो, ठीक है। तो काफी लो फील कर रहा था शुरू में, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एक फर्स्ट प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम होने लगी, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम भी आई थिंक एक दो कॉन्टेस्ट होने के बाद होने लगी थी, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले प्रैक्टिस करी थी कि जैसे फिल्टर लगाकर ए लेवल के क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कर लिए थे, देन मेरे से फर्स्ट प्रॉब्लम होने लगी थी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मेरे को आइडिया लग गया था कि जो फर्स्ट प्रॉब्लम एंड सेकंड प्रॉब्लम होती है वो मोस्टली अडोक प्रॉब्लम्स होती हैं, वो किसी टॉपिक पर बेस्ड नहीं होती, वो लॉजिकली प्रॉब्लम्स होती हैं, मैथमेटिक्स बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो अगर उनमें तुम्हें एक बार में थॉट आ गया, कुछ ट्रिक की दिमाग में आ गया तो तुम कर देते हो, अदरवाइज तुम अटके रहते हो उन्हीं प्रॉब्लम्स पर, तो ये चीज़ मेरे को समझ आ गई थी, ठीक है। लेकिन अब 1-2 प्रॉब्लम्स तो होने लग गई थी, लेकिन उसके बाद कैसे किया, तो गाइस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जो मेन टॉपिक्स हैं उनको तुम ध्यान में रखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक बाइनरी सर्च, सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर थ्योरी, थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड रिकर्शन, ठीक है, एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्राफ्स एंड ट्रीज। सो कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम में तुम्हें इन्हीं 4-5 टॉपिक से क्वेश्चंस देखेंगे, इनके बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। स्टैक्स एंड क्यूज, लिंक्ड लिस्ट, इनके क्वेश्चन जनरली इंटरव्यू में रहते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, इनकी एप्लीकेशन आ सकती है स्टैक्स एंड क्यूज की, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली स्टैक्स एंड क्यूज पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो ये जो टॉपिक थे ना, बाइनरी सर्च, नंबर थ्योरी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ्स, ट्रीज, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। तो मैंने क्या करा, DSA सीखने के बाद इन टॉपिक्स को मास्टर करना चाहा, क्योंकि DSA में सबसे मेन टॉपिक्स यही है, तो इन टॉपिक्स को मास्टर करना क्या बेस्ट मेथड है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करो एंड साथ साथ में इन टॉपिक्स को वहाँ जो नोट्स दिए होते हैं या फिर ट्यूटोरियल एडिटोरियल पढ़े होते हैं ना, ट्यूटोरियल पढ़े होते हैं कुछ मास्टर कोडर्स के, ठीक है, उनको तुम पढ़ सकते हो, उनमें काफ़ी अच्छे अच्छे हिंट दिए होते हैं कि कहाँ पे इस चीज़ को यूज़ करना है, कहाँ पे इस चीज़ को यूज़ करना है। तो इस तरह से मैंने इन टॉपिक्स को मास्टर करा एंड मुझे देखो लगभग 5-6 मंथ्स लगे कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम में एक्सपर्ट लेवल तक रीच करने के लिए कोड फोर्सेस पर, ठीक है। तो देखो मैंने DSA कर लिया था 3-4 मंथ्स में, लेकिन कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम में टाइम लगा, क्यों, क्योंकि मैं यार किसी चीज़ को मास्टर कर रहा हूँ, मैं इन टॉपिक्स को मास्टर कर रहा हूँ, DSA में मैंने मास्टर नहीं करा था, मैंने सीख लिया था कि कैसे करते हैं, क्या कैसे काम करते हैं, ठीक है, वहाँ पर मैं मास्टर नहीं हुआ था, लेकिन अभी मैं चीज़ों को मास्टर कर रहा था, तो मास्टर करोगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैंने डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ट्रीज एंड ग्राफ्स,
बाइनरी सर्च इन चीजों को मास्टर करने का ट्राई करा, ठीक है, यूजिंग कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग एंड वहाँ के ट्यूटोरियल्स एंड वहाँ के क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है, एंड वहाँ के कॉन्टेस्ट देना, कॉन्टेस्ट देने के बाद अगर क्वेश्चन नहीं हुआ तो उसका एडिटोरियल देखना। तो इन चीजों से ही तुम्हारी ये चार पांच कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं जो वो प्रिपेयर होंगे। एंड ये चार पांच कॉन्सेप्ट्स से पक्का क्वेश्चन ऑनलाइन टेस्ट में आता है, इंटरव्यू में हो सकता है ना पूछा जाए, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट में पक्का इन चार पांच टॉपिक से दो क्वेश्चन पक्का आएंगे गाइस, ये बात लिख के ले लो, ठीक है। तो इन टॉप ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड इनसे क्वेश्चन पक्का आएगा ऑनलाइन टेस्ट में। एंड गाइस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी ऑनलाइन टेस्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो गाइस, देखो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में क्या होता है, करने से तुम किसी भी क्वेश्चन को ना फास्टली अप्रोच करते हो, ठीक है, तुम किसी भी क्वेश्चन का जो थॉट है तुम उसको जल्दी सोच पाते हो। एंड दूसरा, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में टाइमर होता है, ठीक है, कि इतने टाइम में तुम्हें ये क्वेश्चंस करने हैं। एंड सिमिलरली ऑनलाइन टेस्ट में भी वो टाइमर होता है, तो तुम्हारे पे जो प्रेशर है कि इतने टाइम में पूरा करना है, तो वो तुम उसको कैसे बेटर वे में हैंडल करोगे वो तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करके सीख सकते हो। तो इसलिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग बोलते हैं कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने के बिना भी कंपनीज क्रैक हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है, लेकिन गाइस अगर तुम्हें एक्चुअली इंजॉय करना है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग को, देखो तुम्हें कंपनी क्रैक करनी है तो लेट कोड करके या फिर ये कुछ भी करके कर सकते हो, ठीक है, बट अगर एक्चुअली इंजॉय करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग को तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करो, मजा आएगा। देखो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जरूरी नहीं है कि मास्टर बनना है, ये बनना है, ठीक है, कुछ भी बनने का ट्राई मत करो, अपने मजे के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करो, ठीक है। जब तुम ऐसा करोगे ना तुम डेफिनेटली खुद ही खुद कुछ लेवल पर रीच कर जाओगे, ठीक है, खुद कुछ लेवल पर पहुंच जाओगे, सो जो कि तुम अपने रिज्यूमे में भी मेंशन कर पाओगे। मजे से करो इसको, एज अ बर्डन मतलब एज अ जेई का सिलेबस मान के मत करो यार कि मुझे ये भी करना है ये भी करना है, ठीक है, तो मजे से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करो। तो अभी क्या हुआ, मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर ली 6 months एंड देन उसके बाद मैं मेरे पास अभी भी आई थिंक 2-3 months पड़े हुए थे इंटर्न के लिए, ठीक है, तो उस समय मैंने सबसे पहले डेवलपमेंट को टाइम दिया गाइस। 1-2 months मैंने क्या करा, एक कोर्स लिया, ठीक है, बेसिकली डेवलप वेब डी का कोर्स लिया एंड उसमें जो प्रोजेक्ट्स होते हैं मैंने वो बनाई है, क्योंकि रिज्यूमे में एटलीस्ट 2 projects तुम्हें मेंशन करने होते हैं, तो इसलिए मैंने उन प्रोजेक्ट्स को मेंशन कर दिया अपने रिज्यूमे में, ठीक है, तो डेवलपमेंट वाली साइड भी मेरी एक बार ठीक हो गई। तो डेवलपमेंट में मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने मास्टर कर लिया कुछ भी, बट मैंने इतने ही प्रोजेक्ट्स बना लिए कि मैं अपने रिज्यूमे में लिख सकूँ एंड मेरे को उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, सो डेवलपमेंट के लिए मैंने यही करा। एंड देन उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद बेसिकली मैंने जो लीड कोड है इंटरव्यू बिट है GFG है इनको यूज़ करा, इनको यूज़ करके इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करा एंड इंटरव्यू के जो एक्सपीरियंसेस हैं प्रीवियस लोगों के उनके मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़े, ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है इंटरव्यू से 1 month पहले। एंड देन कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स, ठीक है, DBMS कंप्यूटर नेटवर्क्स, इनको भी तुम रिवाइज कर सकते हो इंटरव्यू से पहले, ठीक है, 1 month पहले, सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कुछ कंपनीज पूछ लेती हैं कुछ कंपनीज नहीं, एंड गाइस एप्टीट्यूड को भी सीरियसली लेना क्योंकि कुछ कंपनीज का टेस्ट इजी आता है एंड उस कंपनीज में तुम ऐसा ना हो कि एप्टीट्यूड की वजह से रह जाओ, ठीक है, तो एप्टीट्यूड को भी तुम थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना, बेसिक लेवल एप्टीट्यूड ही आता है जनरली, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बेसिकली अपनी प्रिपरेशन करी कि इंटर्न लेने के लिए। एंड देन उसके बाद फ्लिपकार्ट आई, तो फ्लिपकार्ट का ऑनलाइन टेस्ट हुआ एंड ऑनलाइन टेस्ट में 3 questions पूछे गए थे, एक ग्राफ का क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन का था, एक क्वेश्चन स्टैक्स एंड क्यूज पर बेस्ड था। तो जिन्होंने भी 3 questions करे थे उनका शॉर्टलिस्ट हो गया था इंटरव्यू के लिए एंड मेरा भी हो गया था, ठीक है। तो इंटरव्यू में हमारे 2 rounds थे, टेक्निकल राउंड, तो दोनों में ही हमसे 2-2 DSA के क्वेश्चन पूछे गए थे एंड उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि हम उनको अच्छे से समझाएं उस क्वेश्चन को, उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन बताएं एंड देन उसको कोड करें। कोड करना काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, अगर तुम कोड नहीं कर पा रहे हो तो शायद ही तुम्हारा सिलेक्शन हो, ठीक है। तो ये उनकी एक्सपेक्टेशन थी, 2 questions पूछने थे हर इंटरव्यू राउंड में एंड उनको हमें समझाना था एंड कोड करना था। तो लकली वो काफ़ी सिमिलर से क्वेश्चन थे जो मैंने करे हुए थे, ठीक है, तो आई डिड ऑल द क्वेश्चंस इन बोथ द राउंड्स एंड देन आई गॉट बेसिकली ऑफर फॉर समर इंटर्न एट फ्लिपकार्ट, राइट। सो दिस वॉज माई प्रिपेरेशन स्ट्रेटजी एंड दिस वॉज हाउ द फ्लिपकार्ट कंडक्टेड हिज इट्स ऑनलाइन ड्राइव, राइट, ऑनलाइन बेसिकली हायरिंग ड्राइव, राइट। सो इस तरह से फ्लिपकार्ट ने हमें हायर करा एंड देन उसके बाद अभी आई एम गोइंग टू ज्वाइन फ्लिपकार्ट इन दिस समर, ठीक है। तो अभी मैं तुम्हें कुछ टिप्स दे देता हूँ जो तुम्हें इंटरव्यू में ध्यान में रखनी है। सो गाइस फर्स्ट थिंग तो बी काम, ठीक है, तुम्हें कोई
वैसे ऐसा वैसा लोड प्रेशर नहीं लेना, इसको बेसिकली एज अ इंट्रैक्शन डील करो, ठीक है। मैक्सिमम क्या होगा, तुम्हें वो इंटरव्यू में ना सिलेक्ट करें, ठीक है, बट और भी बहुत कंपनीज है ना, तो मैक्सिमम क्या, तुम बेसिकली काम रहो, ये मत एक्सपेक्ट करो कि तुमसे देखा हुआ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तुम अच्छे से जाओ, रिलैक्स होकर जाओ इंटरव्यू में, एंड सोचो कि हाँ मैं दिमाग लगाऊंगा, जितना मेरे से होगा मैं करूंगा डेफिनेटली, ठीक है, तो वो इंटरव्यू को भी अच्छा लगेगा। अगर तुम्हारा ऐसे करोगे तो तुम्हें कोई लोड भी नहीं आएगा एंड तुम्हारे चांसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे सिलेक्शन के। दूसरा, एचआर राउंड के लिए गाइस पहले से ही प्रिपेयर होकर जाना, क्योंकि वहां पे कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए पहले से ही क्वेश्चंस प्रिपेयर करके, आंसर्स प्रिपेयर करके जाना तो बेटर रहता है। सो ये चीजें इंटरव्यू राउंड्स के लिए रहती हैं। अगर ऑनलाइन तुम्हारा इंटरव्यू हो रहा है तो मेक श्योर तुम पहले गूगल डॉक पर कोड लिखने का प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, क्योंकि वो गूगल डॉक पर जनरली कोड लिखवाते हैं, तो तुम एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लो गूगल डॉक पर लिखकर। एंड अगर इंटरव्यूज ऑफलाइन हो रही है तो एक बार पेन पेपर, ठीक है, यूज करके कोड लिखने का ट्राई कर लो, ताकि तुम्हें वहां पे जाके और ना लगे, ठीक है। सो ये कुछ टिप्स थी इंटरव्यू के लिए, राइट। सो आई होप ये वीडियो तुम्हें काफी हेल्प करेगी, हाउ टू behave in an interview, how to behave better in an interview, right? So this is how I cracked Flipkart, and I hope this video is going to help you a lot. So thank you guys for watching the video till the end, and I hope it will help you a lot. Thank you guys.